आज के वीडियो का पहला क्वेश्चन है, केचुए के कितने पैर होते हैं? आपके विकल्प है 32, दूसरा ऑप्शन है 66 यानी 66, तीसरा ऑप्शन है 108 और चौथा ऑप्शन है एक भी पैर नहीं होता। और इस सवाल का सही जवाब है एक भी पैर नहीं होता, उनको कोई पैर नहीं होते। दोस्तों लगभग 2007 विभिन्न प्रकार के केचुए हैं और एक एकड़ भूमि में 1,00,000 से अधिक केचुए हो सकते हैं। यदि किसी केचुए की त्वचा सूख जाती है तो वह मर जाता है। वे अपनी त्वचा से सांस लेते हैं और वायु उनकी त्वचा के बलगम में घुल जाती है, इसलिए सांस लेने के लिए उनकी त्वचा नम होनी चाहिए। अगर उनकी त्वचा सूख जाती है तो अर्थवर्म्स सफोकेट होके मर जाते हैं। दूसरा क्वेश्चन है आज के वीडियो का, आधुनिक पैराशूट का आविष्कार किस देश में और कब हुआ था? आपके ऑप्शंस है 1812 इंग्लैंड में, दूसरा ऑप्शन है यूएसए 1949 में, तीसरा ऑप्शन है चीन में 1988 में और फ्रांस 1783, ये है चौथा ऑप्शन। और इस सवाल का सही जवाब है फ्रांस 1783 में यानी 1783 में फ्रांस में। दोस्तों इतिहास में पहले पैराशूट जंप 22 अक्टूबर 1797 यानी 1797 को पैराशूट के आविष्कारक आंद्रे जैक्स गार्नेरिन द्वारा बनाया गया था। गार्नेरिन ने पेरिस के ऊपर हाइड्रोजन बलून 3,780 फीट से छलांग लगाकर अपने पहले पैराशूट का परीक्षण किया था। दोस्तों पैराशूट शब्द पैरा से आया है जिसका अर्थ है काउंटर या विरुद्ध प्राचीन यूनानी भाषा में, और शूट वर्ड फ्रेंच का शब्द है गिरने के लिए या गिरने के लिए फ्रेंच को शूट कहते हैं। पैराशूट का उपयोग एक एडवेंचर स्पोर्ट में किया जाता है जिसे स्काई डाइविंग कहा जाता है, जिसमें आसमान से छलांग लगाते हैं और जमीन पर पैराशूट की मदद से उतर जाते हैं। पैरा ट्रूपर्स वे सैनिक होते हैं जो पैराशूट की सहायता से हवाई जहाज से कूदकर दुश्मन पर हमला करते हैं। आज का तीसरा क्वेश्चन है, 1995 में हॉलीवुड की फिल्म ब्रेव हार्ट में किस अभिनेता ने विलियम वॉलेस का किरदार निभाया था? और आपके ऑप्शंस है मेल गिब्सन, दूसरा ऑप्शन है टॉम हैंक्स, तीसरा ऑप्शन आपके लिए है ब्रूस विल्स और चौथा ऑप्शन है दोस्तों निकोलस केज। और इस सवाल का सही जवाब है मेल गिब्सन। मेल गिब्सन लिटिल वेपन सीरीज और मैड मैक्स सीरीज में अपनी भूमिकाओं के लिए सबसे ज्यादा जाने जाते हैं। वह फिल्म ब्रेव हार्ट के नायक के साथ डायरेक्टर भी थे, एक जिसने एकेडमी अवार्ड जीता था। 2008 की डॉक्यूमेंट्री में गिब्सन ने खुद कहा था कि उन्हें बाइपोलर डिसऑर्डर की बीमारी है। चौथा क्वेश्चन है आपके लिए, ब्रुकलिन जो एक अमेरिका का फेमस ब्रिज है वो अमेरिका के किस शहर में है? आपके विकल्प है दोस्तों वॉशिंगटन डीसी में, दूसरा ऑप्शन है न्यूयॉर्क सिटी में, तीसरा ऑप्शन है सैन फ्रांसिस्को सिटी में या चौथा ऑप्शन है मियामी सिटी में। और इस सवाल का सही जवाब है यूएस के न्यूयॉर्क शहर में ब्रुकलिन पुल स्थित है। ब्रुकलिन ब्रिज न्यूयॉर्क शहर में मैनहट्टन और ब्रुकलिन को जोड़ने वाला 137 साल पुराना सस्पेंशन ब्रिज है। यह 24 मई 1883 को खोला गया था पब्लिक के लिए। ब्रुकलिन पुल के बाद यह कहा जाता है कि यह ब्रुकलिन की आबादी में एक विस्फोटक हुआ था
इसका मुख्य कारण ब्रुकलिन ब्रिज था। मध्य रात्रि से ठीक पहले पुल को जनता के लिए खोला गया और अगले 24 घंटों में 1.5 लाख से अधिक लोगों ने इसे पार किया था। प्रत्येक व्यक्ति को पार करने के लिए 1 सेंट चार्ज किया था। 5वां क्वेश्चन है आज के वीडियो का, कच्चा तेल क्या होता है यानी क्रूड ऑयल क्या होता है। इसका विकल्प है नारियल के तेल को क्रूड ऑयल कहते हैं, दूसरा ऑप्शन है अरंडी का तेल, तीसरा ऑप्शन है अनरिफाइंड पेट्रोलियम प्रोडक्ट और चौथा ऑप्शन है रिफाइंड वैक्स। और इस सवाल का जवाब है अनरिफाइंड पेट्रोलियम प्रोडक्ट। वेनेजुएला जो एक दक्षिण अमेरिकी देश है, विस्फोटक राजनीतिक संकट और आर्थिक गिरावट के बीच से गुजर रहा देश है, फिर भी दुनिया के किसी भी अन्य देश की तुलना में तेल का अधिक प्रमाणित भंडार है इस देश में। इस देश में 303.2 बिलियन बैरल तेल है जो लगभग 18% है वैश्विक भंडार का। अमेरिका किसी भी अन्य देश की तुलना में अधिक तेल की खपत करता है जो प्रतिदिन लगभग 2 बिलियन बैरल होती है। कच्चे तेल से सीधे प्राप्त उत्पादों के अलावा पेट्रोलियम उत्पादों में प्राप्त होने वाली वस्तुएं हैं फर्टिलाइजर, परफ्यूम, इंसेक्टिसाइड, सोप एंड विटामिन कैप्सूल्स। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन बटन जरूर दबाइए। अगर पसंद आया तो अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए ये वीडियो और लाइक बटन दबाइए। तो दोस्तों, मिलते हैं ऐसे ही किसी दिन किसी और क्विज में। तब तक के लिए गुड बाय, हैप्पी लाइफ।